दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे ये होली आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए रंगों के रूप में। अरे ऐसा थोड़ी होता है यार, और पूरा त्योहार खराब कर दिया यार, तरीका क्या इस तरह से बात करते हो? अरे श्रीवास्तव जी क्या हाल है? हैप्पी होली, हैप्पी होली सर। अरे क्या है कि हैप्पी होली यार, पूरा त्योहार खराब हो गया मेरा। हुआ क्या? अरे यार कल मैं एक शादी में कॉमेडी शो करने गया था। हाँ तो तुम्हारा क्यों मुझे? तो कुछ गड़बड़ की होगी आपने। गड़बड़ की होगी यार, गिरा गिरा के मारा यार कुत्ते की तरह। कोई तरीका क्या? तो कुछ तो किया होगा आपने। अरे भाई शादी में कॉमेडी प्रोग्राम था। हाँ मैं दूल्हे को देख के बोला, मतलब भैया जैसे आप घोड़ी पे बैठे हो, हाँ, ऐसे एक आदमी अर्थी पे लेटा हुआ था। फिर मैंने कहा जैसे आपने अग्नि प्रज्वलित करके सात फेरे लिए, ऐसे अर्थी को अग्नि जलाई गई थी। इतने में बराती मारने लगे। तो श्रीवास्तव जी आप मनहूस चुटकुला सुनाएंगे तो मार ही खाएंगे ना आप। आप किसी की शादी हो रही है और आप मरने मारने की बातें कर रहे हैं। और तो शुक्र है त्योहार है, उन्होंने कम मारा होगा आपको। हाँ कुछ लोग बोले मारो मारो मारो, एक बुजुर्ग आए बोले त्योहार है त्योहार है, जूते लात नहीं मारना, पिचकारी से मारो। पर आप तो सूखे हैं, पानी तो आया नहीं आपके ऊपर। अरे उन्होंने पीतल की पिचकारी ली और मेरे पतीले पे मारा है। अच्छा खाली पिचकारी मारी आपने? खाली पिचकारी मारी। चलिए आप अभी गुस्सा थूकी, आज होली है, ये सब लोग होली मनाने आए, आप इनको चुटकुले सुनाइए। आप अच्छा, जैसा मर्जी सुनाइए, कोई नहीं मारेगा आपको। पक्का? पक्का नहीं, कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा। अरे वाह मैं तैयार हूं। आज हम भी श्रीवास्तव जी को सामने बैठ के सुनते हैं। श्रीवास्तव शर्मा जी जोरदार तालियां श्रीवास्तव जी के लिए। बस ठीक है। वही मैंने कहा त्योहार है, लोहा पीतल क्यों मार रहे हो? मारना ताली मारो, गुलाल मारो, होली है। अपने देश में जो हाई सोसाइटी के लोग हैं, हाई फाई लोग जिनका पैसा बहुत आ गया, अपना कल्चर भूल गए, ये होली होली में बिल्डिंग से निकलते नहीं, उतरते नहीं, बाहर ही नहीं आते। होली जब जलती है तो ये बहुत मेहरबानी करते हैं, अपने बच्चों को गाड़ी में बिठा के एसी चालू करके विंडो विंडो बंद करके जहाँ होली जल रही है दूर गाड़ी खड़ी करके पापा बताते हैं बेटे ऐसे जलती होली देखो। ये अरे अरे बेटे शीशा बंद करो, शीशा बंद करो, धुआं आ जाएगा। तुम्हें तो एलर्जी ना तुम्हें से है? इसके ना वो छोटे छोटे कण निकलते हैं तुम्हें गले में, फिर इन्फेक्शन फंक्शन। ये देखो ऐसे जल रही है। होली वाले दिन खूब छनती है, लेकिन दीपावली जो त्योहार है एकदम साफ सुथरा त्योहार है, नहाया धोया हैंडसम। लेकिन दीपावली सबसे बदतमीजी कौन करता है मालूम? पटाके जो हरे वाले होते हैं ना, ग्रीन कलर के, सुतली बम। ये आप रखिए, आग लगाइए, एक बार में क्यों नहीं फटते? जब तक सबकी पोजीशन ऑकवर्ड नहीं कर दे। अब आग लगाई, अब काका दादा सब लोग यूं। अच्छा वो फटता नहीं है, अटकेलियां करता है, अटकेलियां अटकेलियां करता है, वो फटता नहीं, वहीं बैठे बैठे मौज लेता है। और पूरा परिवार एक्सरसाइज कर रहा है। छे छे नथी नथी, छे छे नथी नथी। इतने में काका बोले अरे बेकार है, दूसरा निकालो। दीपावली साफ सुथरा त्योहार है, लाइटिंग का त्योहार है। उस दिन लोग लाइटिंग पे क्या दिमाग लगाते हैं, बिजली वाले इलेक्ट्रिक वाले, ओ आप लड़ियां लाइए, झालर लगाइए, झालर झालर तुरंत मेहनत शुरू कर देती है, जैसे लगाएंगे। ये उनकी खासियत है। अच्छा कुछ बल्ब होते हैं बड़े वाले, वो डराते हैं, उनको ध्यान से देखो, आपको डर लगेगा मैं त्योहार मनाऊं कि नहीं मनाऊं, वो जलेंगी। हूं हर त्योहार में, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, ईद हो, बकरीद हो, ये हर धर्म में परंपरा है कि आप अपने दोस्तों को गिफ्ट देते हैं।
ऐसे जुहू का वॉचमैन चौकीदार अमिताभ बच्चन से होली की गिफ्ट मांग रहा है। हाँ। शाम नमस्कार, शाम जी नमस्कार, शाम जी मैं शेर सिंह शेरपा, शाम में गरीब आदमी है, मेरे दो बच्चे हैं, चार छोटी छोटी बीबी है, शाम होली है, कुछ दे दो शाम, होली है। अरे भैया, होली में कोई हमारे दरवाजे आए और खाली चला जाए, ऐसा नहीं होता। अरे जो कुछ मांगना है सीना खोल के मांगो। अरे साला ये होली एक बार आता है साल में। अरे जो कुछ मांगना है मांगने का। शाब डायलॉग अच्छा है मगर कुछ दे दो। अरे हाँ भाई हाँ, होली है। अरे अरे चॉकलेट लाइए भाई, चॉकलेट लाइए, चॉकलेट लाइए, मुंह खोलिए, कुछ मीठा हो जाए। हैप्पी होली। शाब एक टुकड़े से क्या होगा, हमारा फैमिली है शाब। कुछ दे दो शाब, कुछ दे दो, मजाक मत करो, कुछ दे दो। अरे अरे ठहरिए, खोपड़िया में दर्द है, ये लीजिए ठंडा ठंडा कूल कूल। हैप्पी होली। शाब मजाक मत करो, हम गरीब आदमी है, कुछ दे दो शाब, कुछ दे दो शाब, कुछ दे दो। अरे पेट गड़बड़ है, ये लीजिए हाजमे का गोली। पेट रखे तंदुरुस्त। हैप्पी होली। समझ गया शाब, हम इधर थोड़ी देर और रुकेगा तो आप हमको सीमेंट भी खिलाएगा। शाब आपको विज्ञापन के सिवा कुछ भी याद नहीं है? अरे हाँ, अरे अरे याद से याद आया, याद से याद आया। 12 नवंबर ना भूलिएगा, पल्स पोलियो डे। सुकून जिंदगी के लिए हैप्पी होली। समझ गया शाब, आप मजा कर रहा है, गरीब के साथ मजा कर रहा है, हमजा रहा है। अरे ठहरिए भैया, ठहरिए। सन 2014 की होली में आपको क्या मिलना चाहिए, आपके ऑप्शंस ये रहे। ए 1.5 किलो कांदा यानी कि प्याज, बी घर के पुराने कपड़े, सी पिछले साल की चली हुई पिचकारी, डी 11 रुपए का चेक टीडीएस काट। ठीक है शाह, ठीक है शाह। ए ए प्याज दे दो। ओके तो प्याज यानी कांदा को ताला लगा दे। साहब ताला लगाएगा तो कैसे देगा? खोल दो। ओके कंप्यूटर जी, ये प्याज जो है, प्याज को ऐसा करते हैं कि ये समय समाप्ति की घोषणा। अफसोस इस होली में आप कुछ नहीं ले जा पाए, अगले साल अवश्य आइएगा। बहुत धन्यवाद। श्रीवास्तव जी के लिए जोरदार तालियां। होली है। आज हम चल रहे हैं। हाँ, अभी अभी कभी किसी की शादी में अर्थी वाला चुटला नहीं सुनाना श्रीवास्तव जी, मार पड़ेगी। और अगर अर्थी वाले में बुलाए तो शादी का सुना सकते हैं? सुना सकते हैं। ये कैसा है, मैं सुन नहीं आ रहा यार। कोई बात नहीं। होली है। देखा भाजी, गलत टाइम पे गलत तरीके से कोई भी काम करो तो मार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पे भी हमारे दोस्त होंगे बहुत सारे जिनका त्योहार का मजा कभी ना कभी किरकिरा हुआ होगा, कि जैसे होली है या दिवाली, कुछ भी, कोई कोई हमारे दोस्त जिनके साथ ऐसा हुआ हो। हाय। है तेरी। हाय कपिल। हाय। हेलो सिद्धू सर। हेलो। एक्चुअली पता है क्या हुआ था, लास्ट ईयर ना मैं और मेरी ये फ्रेंड इंदु, हम लोग मार्केट जा रहे थे, होली का टाइम था। सच्ची। फिर क्या हुआ? वहां से आते वक्त कुछ स्कूल के ऐसे बॉयज थे, उन्होंने आके इसके फेस में ना रंग लगा दिया। और फिर तो मुझे बहुत गुस्सा आया और हम दोनों उनके पीछे पीछे भागे। पता है एक पुलिस वाला भी मिला और उसको हमने बोला पकड़ने के लिए, कर हाँ। मैंने कहा हाँ, क्या पकड़ उसको। मतलब खड़ा हुआ है, पकड़ नहीं रहा, तो
भाई मैंने और इसने एक को तो पकड़ा और जो उसकी पिटाई करी है ना, लात घूंसे थप्पड़ चप्पल जो मिला मैं तो मार दिया उसे। रानी झांसी के लिए ताड़ियां। थैंक यू। बहुत पिटाई करी, मारना ही चाहिए। ये गलत बात भी है, जो आपको नहीं पहचानता उसके आप क्यों रंग लगाए। कई तो इतने बदतमीज हो लड़की की पीठ पे गुब्बारे मारते हैं। अच्छी भली लड़की बेचारी स्कर्ट पहन के गुब्बारा तो गालियां देगी फिर आपको। ये गलत बात है। ये हमारे देश के युवाओं को इससे सीख लेनी चाहिए, ये गलत। अगर कोई आपकी बहन के आपकी माँ के ऐसे को गुब्बारा मारे तो आपको जितना गुस्सा आएगा ठीक उतना ही गुस्सा उनके घर वालों को भी आता है। शुक्रिया। हैप्पी होली कपिल, आपको भी और हैप्पी होली सर। अच्छा पाजी, हर त्यौहार को मनाने का हर एक का एक अलग तरीका होता है। जैसे मैंने बताया कि कई जगह पे लठमार होली मनाई जाती है, कहीं सूखी होली खेलते हैं, कहीं पानी वाली खेलते हैं, हर एक का एक अपना अपना स्टाइल होता है। आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग जो शेयर करना चाहते हो, जो जिनको लगता है कि वो डिफरेंट तरीके से होली मनाते हैं या कुछ अलग करते हैं, कोई ऐसे हमारे दोस्त हैं यहाँ पे? जी भाई साहब। सर होली रंगों का त्यौहार है। अच्छा, हमें नहीं पता था। बेसिकली ये प्यार का त्यौहार है और प्यार मोहब्बत से मनाया जाता है। वो तो वैलेंटाइन होता है। मेरे मन में सवाल है कि हम लोग होली मनाते हैं लेकिन मनाते क्यों हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्यों मनाते हैं हम लोग होली? जी जी, मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी, अच्छा हाँ जी। होली ये बताएंगे इसलिए... इनका मुंह ये नूब लोटा जैसा, ये पक्का बताएंगे जी। एक्चुअली होली इसलिए मनाई जाती है कि हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, जिससे वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी। अच्छा, तो उसने इसी वरदान को लेके अपने भतीजे जो छोटा भतीजा था उसको लेके आग में चली गई, प्रहलाद सर आग में चली गई थी। ये तो टेक्निकल पॉइंट में चले गए। भाई साहब एक्चुअली रीजन यही था। रीजन वही है, लेकिन आज को कौन याद करता है, आज तो हम हमारे हिसाब से होली खेलते हैं। लेकिन आपको ये पता नहीं था ना कि टेक्निकलिटी मुझे सब पता है, टेक्निकलिटी की बात रहने दीजिए। पर हाँ, जिस बात को हम सब स्वीकार करते हैं, जैसे भाई साहब ने कहा कि सबको पता भी है कि होलिका दहन जो है वो किया जाता है उस दिन, और बेसिकली मूल मंत्र वही है जब हम दिवाली पे कहते हैं कि बुराई के ऊपर हमेशा सच्चाई की जीत होती है। सो आप दोनों ही सच्चे हैं अपने अपने तरफ से। सो अभी आप लड़ना नहीं, होली रंगों का त्यौहार है। ओके, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? मोहल्ले में सारे लोग होली मना रहे हैं, हमारे पास ना रंग है ना पिचकारी। मम्मी जी मुंह में पानी भर भर के बच्चों के ऊपर पिचकारियां छोड़ रही हैं। इतनी बेइज्जती खराब हो रही है हमारी मोहल्ले में। अब हुआ, इतनी अच्छी मैं होली की बातें कर रहा था, तूने आके सारा मजा किरकिरा कर दिया हमारा। बस बातें ही करते रहना, होली कभी मत मनाना। बिट्टू मेरे को ना एक आइडिया आया है, देख हम ना होली का चंदा मांगेंगे, फिर जो भी पैसा इकट्ठा होगा ना उसके हम रंग और पिचकारियां खरीदेंगे। उधार मांगना हमें आता है लेकिन चंदा मांगना आता है? कभी मांगा चंदा पहले कभी? मेरे को नहीं आना तेरे साथ चंदा मांगने, समझ में आया ना? तुम लोग चंदा मांगो यहाँ पे, पैसे इकट्ठे हो गए ना मेरे को बुला लेना, होली खेल लेंगे पागल कहीं की। चला कोई मेरी मदद नहीं करता, इस हिसाब से मेरी ये होली भी सूखी निकल जाएगी। रंग लगा दो जी, मेरे गोरे गोरे गालों पे रंग लगाकर इन्हें कश्मीरी सेब बना दीजिए। देखा सिद्धू साहब, मेरे हुसन को देखकर बड़ी बड़ी लड़कियों की चीखें आज भी निकल जाती है। बुट्टे टाइम से घर निकल वरना कहीं तेरी जान ना निकल जाए। तुझे पता है इस 22 ईयर ओल्ड लड़की को छेड़ने के चक्कर में तुझे उम्र कैद हो सकती है। हाँ तो उम्र बची कितनी है जो कैद होगी? सर मुझे ये बताओ कि मैं शादी पर पहनूंगा क्या, शेरवानी या जींस? सुनिए, ऐसा नहीं सुनना मैंने। शेरवानी और जींस पहनने की आपको क्या जरूरत है, मैं आपको कड़ी पहनवाती हूँ। ये क्या कर रही हो? 1-0-0। हेलो पुलिस, शमशेर, पिंकी को एक मन चले ने छेड़ा है, प्लीज कम सूट फास्ट। फोन रख दीजिए, कानून हाजिर है। ये देखो,
फोन कटा भी नहीं और कानून हाजिर है। और हमारे घर में सिद्धू साहब 4 महीने पहले चोरी हुई थी, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। मैं खुद चल के थाने गया था, 150 सवाल मुझसे किए कि चोर दिखता कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका नाम क्या है, वो रहता कहाँ है। मैंने कहा भी चोर मेरे मामा का बेटा थोड़ी है। अगर मुझे पता था चोर को मैंने पकड़ नहीं लेना था। बुजुर्गो आपका, मैं कभी आज तक कभी किसी बुजुर्ग का गुस्सा नहीं किया मैंने। सुन कर अपनी, आप ये बताइए कौन है वो मन चला जिसने आपको छेड़ा है? ये इसके तो पैर नहीं चल रहे, इसका मन कैसे चल गया? हुआ क्या था? इसी ने मुझे छेड़ा, एसपी साहब। एसपी साहब? हाँ। साहब मैं 20 साल से एक स्टार को तरस रहा हूँ। मेरे को यार एसपी बना दिया मेरे। अब ये 50 रुपए को यार होली जाओ एंजॉय करो। सीधे इंस्पेक्टर को आपने एसपी बना दिया, अब बताओ हुआ क्या था? थैंक यू कमिश्नर साहब। कमिश्नर हुए हुए क्या? आज होली है तो मेरी तरक्की कर रही है, ले 100 रुपया और रखो, कैश करो। और आप बताओ हुआ क्या था? हुआ ये प्रधानमंत्री जी। कोई मेरी प्रमोशन रुकवाओ, मेरे पैसे खत्म होते जा रहे हैं। देखो मैं प्रधानमंत्री हूँ, मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे सूट में भिखारन पहली बार देखी। ऐसे बताओ हुआ क्या था? इस बुड्ढे ने मुझे होली के दिन यहाँ गुब्बारा मारा। ये सही कह रही है? हाँ जी। ये तो बहुत खतरनाक बंदा है, अगर होली वाले दिन गुब्बारा मार रहा है, दिवाली वाले दिन तो तू बम भी मार सकता है उस पे। फाइनल जाके ऐसा लिटा के तेरे को धोऊंगा मैं, तेरे को शर्म नहीं आती? तेरी माँ के बराबर है वो। ये क्या बोल रहा है? इस तमसिन हसीना को गुब्बारा मारने के लिए इसे सजा तो मिलनी चाहिए ना? सजा तो इसको बिल्कुल मिलेगी, बराबर मिलेगी तुम्हें। मैं एक बार बताइए, आप यहाँ पे खड़ी क्या कर रही थी? मैं यहाँ होली के लिए चंदा मांग रही हूँ। तो इसने आपको छेड़ा? हाँ जी। देखिए कसूर दोनों का है, आप यहाँ पे खड़ी होकर नजायज चंदा मांग रही थी और आप यहाँ पे छेड़ रहे थे। चलो थाने दोनों को सरकारी ब्रेकफास्ट कर रहा है। हाँ? वो क्या है कि हम दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं, पूरा मैं भांग पी ली नशे में, पता नहीं मैं क्या क्या बोल रही हूँ। पुलिस वाले रिश्तेदार भी हो ना, तो भी नुकसान ही होता है। मैं भी चलता हूँ, मेरा फोन आ रहा है। मेरे को पता है फोन आ रहा है, आवाज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपने वाइब्रेशन पे लगाया होगा। आपको कैसे पता? ये मौला बख्श दिख रहा है आपकी राम प्यारी पैसा ठोक के मारूंगा ना मैं। कि आपके ये जो वाइब्रेशन लगा के आते, सारी वाइब्रेशन का मैं 4 पीस कर दूंगा तोड़ के। समझ में आया? आगे से यहाँ पे खड़े होके किसी बहू बेटी को मारा गुब्बारा या कुछ भी, तो आपको पता क्या हो सकता है? हाँ जी। बदतमीज लोग, गलत कानून है। आगे गुरु, अपने एरिया में मैं किसी को चंदा मांगने नहीं देता। हाँ। हमारा अपना ही पेट नहीं भरता तो। किसी को क्या मांगने दे। मेरे को सरकार पे बड़ा गुस्सा है। हमें होली वाले दिन भी रेस्ट नहीं करने देते, किसी त्योहार पे हमें छुट्टी नहीं होती। बताओ हमारा भी दिल करता है अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने का। हाँ। आपको पता है छुट्टी वाले दिन तो और ज्यादा ऐसे केस आते हैं। अभी बाहर एक आदमी ने अपनी बीवी पे केस कर दिया, औरत ने भांग पी के अपने पति से कह दिया मेरा पति मुझे तंग बड़ा करता है, मुझे भगा के ले चलो। शमशेर, अरे पुत्र तू कब आया? पिंकी बुआ को समझाया दादी, यहाँ पे खड़ी होकर चंदा मांग रही थी, फिर लोग छेड़ते, मेरे को फोन करके बुलाया उसने। खैर होली मुबारक हो। जीता रे जीता रे। ऐसे काहे की होली बेटा, ऐसे त्योहार वाले दिन भी तेरी दादी का गला सूखा बैठा है। बोल, तेरे को हमेशा अपने गले की रहती है, ये नहीं कि घर में मेहमान है उसको कुछ पूछो चाय वाय। हट जा। ले ना अभी खिलाती पिलाती हूं। राजू, ए राजू। हाँ जी। देख देख शमशेर आया है, पकौड़े शकौड़े का इंतजाम कर। पकौड़े तो है नहीं, शकौड़े लेकर आऊं। तेरे शकौड़े पे ऐसे कोड़े मारूंगा ना पुलिस वाले से, कैसे मजाक करते, भूल जाएगा बंदर जैसा। मुझे क्या गया, मजाक तो हमारे साथ हो रहा है। होली वाले दिन हमारे पास रंग खरीदने के लिए पैसे नहीं है। हाँ शमशेर बेटा, तू ही बता, होली के दिन तेरी दादी बिना गला तर किए सो जाएगी, अच्छा लगेगा तुझे? हाँ, कुछ चंदे का बंदोबस्त कर।
ठीक है दादी, चंदा चंदे का क्या, मैं तो चंदा हमें तो छीनने की ट्रेनिंग दी गई है। अब तू देख, अब तू निकलने दे किसी को, देख अगर बिना चंदा दे गया तो मेरा नाम भी शमशेर नहीं, जा। लड़की साहब जी साहब जी अमीर लग रही है, इससे पैसे मांगते हैं। कहाँ अमीर लग रही बेचारी, पूरे कपड़े भी नहीं पहने उसने। Let me talk to her. Excuse me. Yes. What's your good lovely name with long legs? My name is Mukta Godse. Godse तो मैं बहुत प्यार करता हूँ। बात कर रहे हैं। इनका नाम है मुक्ता गौड़से। एक बार जोरदार तालियां मुक्ता के लिए। कम मुक्ता। हेलो मुग्धा। यस। वैसे कहाँ जा रही हैं आप? मैं जा रही हूँ साउथ अफ्रीका। ओह वाओ, साउथ अफ्रीका। आई लव साउथ अफ्रीका। इट्स माय फेवरेट प्लेस। फेवरेट प्लेस? दैसर नाका कभी क्रॉस नहीं किया? फेवरेट प्लेस साउथ अफ्रीका। वैसे अपना मुग्धा बाई रोड ही जा रही हो, मैं आपको अपनी कानून की जीप में छोड़ देता हूँ। जीप में बिठा लेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। ये सारा चंदा आज आप मुंह पर ही दोगे? चंदा? कैसा चंदा? प्यार से बुला रहा है, जो प्यार से नहीं कहते कि मेरा चंदा है। अपना चंदा, अपना मुंडा, ये साउथ अफ्रीका में इतना सज धज के जाने की क्या जरूरत है? वहां तो बिना नहाए भी चले जाओ तब भी आदमी खूबसूरती दिखता है। Just joking. Yeah, वैसे क्या करने जा रही हैं आप साउथ अफ्रीका? Actually साउथ अफ्रीका मैं खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेंट हूँ। बहुत डर लग रहा है, वहाँ सांप रहेंगे, मगरमच्छ रहेंगे, मुझे कुछ ने खा लिया तो। नहीं नहीं, मगरमच्छ तो आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे कि पहले खाएगा कौन। वहाँ पे जंगल है, सुनसान जगह है, मुझे पता नहीं क्या क्या होने वाला। ऐसी लड़की हो तो सुनसान इज द बेस्ट। नहीं तो आप सोचिए, ऐसी खूबसूरत लड़की लेके कोई जंतर मंतर रैली में तो जाएगा नहीं। जाहिर है लेकिन मुझे डर लग रहा है। क्यों डरती है? तू भी चुप कर, खामखा बच्ची को डरा रहा है। अच्छा ये बता बेटी, इस बार वो शो एंकर कौन कर रहा है, होस्ट कौन कर रहा है? इस बार रोहित शेट्टी एंकर कर रहा है। रोहित शेट्टी कर रहा है? जी। चेन्नई एक्सप्रेस ने तो बहुत अच्छा बिजनेस किया, फिर वो टीवी क्यों कर रहा है? वैसे रोहित शेट्टी शो में क्या करेंगे आपके? रोहित शेट्टी हमें बहुत डराएंगे, हमसे बहुत बड़े बड़े स्टंट्स करवाएंगे, हमारे ऊपर बिच्छू छोड़ेंगे, सांप छोड़ेंगे। साहब जी मुझे वहां पे भेज दो, मैं एज ए बिच्छू वहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हूँ। केकड़े जैसा मुंह और बिच्छू बनने को तैयार हूं मैं। तू बिच्छू बनेगा, हम लोग मर गए। वैसे मुक्ता, आई विल गो विद यू, आई विल प्रोटेक्ट यू। व्हाट यू विल गो? बिच्छू तक तो ठीक है, शेर के मुंह में भी सर डालना पड़ेगा तो क्या हुआ? मैं चला जाता लेकिन मेरा पासपोर्ट नहीं बना हुआ है। नहीं बना हुआ है? अभी अभी तो कह रहा था कि बन गया है। वो बना था, वो थोड़ा गीला है ना, निकल गई भूख। पासपोर्ट सूख जाएगा। आई विल जॉइन यू लेटर। वैसे रोहित शेट्टी को मेरा नमस्ते कहना। ही इज मेकिंग सिंगम 2.5 विद मी आल्सो। या तो वाले पुराने, मैं आपको एयरपोर्ट तक छोड़ के आता हूँ, मैं आपको फ्लाइंग किस भी कर दूंगा रास्ते में। फ्लाइंग किस? फ्लाइंग किस मतलब जब आप फ्लाई करेंगे तो मैं नीचे से मतलब जो भी अपने तौर पे जो बेस्ट होगा मैं करूंगा। नहीं ठीक है। अरे तेरा शो कब से शुरू हो रहा है ये तो बता हमें। यस, आइडिया प्रेजेंट्स खतरों के खिलाड़ी, डर का ब्लॉकबस्टर्स, पावर्ड बाय जियोनी स्मार्टफोन्स, 22 मार्च से हर शनिवार रविवार रात 9 बजे, ओनली ऑन कलर्स। वहाँ पे वो सांप वाप भी होते हैं, डरना नहीं, ऐसे बाबा कठुल्लू करेंगे तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है। आती रहा करो, इन केस यू आर बिजी यू कैन सेंड योर लेग्स आल्सो। अच्छा लगता है, मैं दादी दादी
दादी ये मैं क्या सुन रही हूँ, आप लोग होली खेलने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं? चंदा इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? आप जैसे फ्री लोगों के लिए मैं कमाल के काम का ऑफर लेके आई हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, हम लोगों को वेला बोल रही है तू? अब वेलों को वेला ना कहूं तो क्या बिल गेट्स कहूं? सिद्धू पाजी मैं बता रही हूँ, उड़ता कबूतर उड़ते उड़ते नीचे इनकी छत देख लेना तो तुरंत मुड़ जाता है कि कहीं ये मेरी सब्जी ना बना दे। बटर कबूतर। बटर कबूतर तो नहीं, मैं बटर गेंडा बहुत अच्छा बनाता हूँ। मैं बता दूं, हाँ। ए तुम लोगों ने चंदा बंदा इकट्ठा किया कि नहीं? यही तो प्रॉब्लम है, जब मालिक की सोच चंदे पे अटकी हो तो नौकर चांद पे कैसे पहुंचे? मेरा मतलब है कि मैं कमाल का ऑफर लेके आई हूँ जिससे आप एक मिनट में लाखों जीत सकते हैं। वो कैसे? अरे निक्की पहलवान ने पूरे शहर को चैलेंज किया कि उसके सामने कोई भी सिर्फ 3 मिनट के लिए अगर खड़ा हो जाए उस इंसान को 11 लाख रुपए का इनाम देगा। चोली बंपर ऑफर। ये देखिए। क्या हुआ बिट्टू, क्यों हंस रहा है? शादी क्या हुआ? तुम लोग सोचो 11 लाख रुपए हमारे घर में आ गया। ए टिक्की पिक्की निक्की जो भी है ना, उसको फोन कर, उसको बोल बिट्टू शर्मा तेरे साथ लड़ेगा। 3 मिनट का ना, 1 मिनट मेरे सामने खड़ा होगा, मेरा नाम बदल देना, ऐसा धोबी पटका मारूंगा ना मैं। धोबी पटका आता है? अरे पहले हम धोबी तो थे, तू जा बोल। ओके ठीक है ठीक है। लगा फोन। हेलो, इज दैट निक्की पहलवान? आपको चैलेंज करने वाला इंसान मिल गया है, हमारा पड़ोसी बिट्टू शर्मा। ये लो, अभी बिट्टू शर्मा कुश्ती जीता, अभी ढोल बजने शुरू हो गए। मैं तो कहता हूँ एक बार फिर सोच लो, सोफे की गद्दी उठाते हो आपकी कमर को मोच आ जाती है, कहीं वो निक्की पहलवान हम पर भारी ना पड़ जाए। हाँ। लड़ाई कमर से नहीं दिमाग से जीती जाती है। अकल बड़ी है भैंस। मार खाओगे। अबे किसने ललकारा है अपनी मौत को? ये पहलवान, इसको मारने की तो जरूरत नहीं है, जरा घूर के देख लो, वैसे ही बेहोश हो जाएगा आधी चल। बस बहुत सेवा कर ली अब आपकी और बहुत तनख्वाहें ले ली आपसे, अब 11 लाख जीत कर मैं आपको रखूंगा और आपको तनख्वाह दूंगा, वो भी टाइम पर। अच्छा चलो। एक मिनट, घर का सबसे पहला मर्द मैं हूं, मैं लड़ूंगा। आप मर्द तो मैं क्या ब्लाउज पहनकर घूमता हूँ? मैं लड़ूंगा। ऐसा करो कोई भी लड़ ले, इसके साथ तो लड़ाई 2 मिनट की है। बिट्टू मैं पीछे जाती हूँ, 11 लाख लेकर आ जाना, फिर मेरे दहेज का सामान खरीदने चलेंगे। ओके, जा, 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 जा। लेकिन जो भी हो बिट्टू, मैं तुझे तो लड़ने ना दूंगी। हाँ, अरे ये तेरे साथ नोच वोच लिया, तेरी खून वून निकाल दिया तो आई विल फाइट, तू हट। दादी दौड़ दौड़, तुम हो बिट्टू शर्मा? अबे निक्की पहलवान सिर्फ उससे लड़ता है जिसने उसे चैलेंज किया हो। एक सेकंड जरा, मैंने किया था भाई, क्या करेगा तू? अच्छा मैंने किया चैलेंज। अरे ये तो निकेतन आ गया, निकेतन। अरे वाह, अरे वाह, हम लोग इतने बड़े हो गए कि होली खेलने के लिए चेन्नई एक्सप्रेस का विलन आया। अरे वाह निकेतन, जोरदार तालियां। प्लेजेंट सरप्राइज निकेतन, यार इधर आओ यार, यहाँ पे कैसे आना हो गया आज? बस यार खतरों के खिलाड़ी पे जा रहा था, सोचा मिलता चलो। अरे क्या बात है, इसका मतलब खतरों के खिलाड़ी जो है इस बार और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पाजी पहले शेरों से कंटेस्टेंट डरते थे, इस बार कंटेस्टेंट से शेर डरेंगे। वैसे भाई एक बात बताओ, ये गेंडे वेंडे को तो टक्कर मार के मार देते हो गए आप। यार गेंडे वेंडे का तो पता नहीं, मगर मेरे साथ जो फाइट करता है ना, मैं उसकी एक एक हड्डी तोड़ देता हूं। अरे कहने की बात है, दबंग 2 में मैंने देखा बाजी, वो तो सलमान भाई के भाई ने फिल्म डायरेक्ट की, नहीं तो ये पक्का जीतने वाले थे। और वैसे मैं एक बात बताऊं, आज बड़े सही मौके पे आए हो, मेरे भी आज किसी निक्की फिक्की पहलवान से फाइटर देख के जाना है। यू आल्सो एंजॉय।
बहुत खाएगा वो। अबे इनको क्या बता रहे हो, इन्हीं से तो फाइट है आपकी। ये है निक्की पहलवान और निकिता भेर। एक बंदा कागज की तरह फाड़ देता है। बिट्टू बिट्टू बिट्टू। ए कौन बिट्टू? रमेश लाल यादव को बिट्टू बुलाती बुढ़िया। ये है बिट्टू, हरे कुर्ते वाला। मैं तो भीख मांग रहा हूं भिखारियों से, दाता के नाम तुझको अल्लाह रखा। इसको क्यों मारा? तो खुद ही तो बोल रहा था, दे दादा के नाम, उन्होंने दे दिया। वो 11 लाख लेकर आए हैं, लड़िए ना। ए मुझे नहीं चाहिए 11 लाख रुपया। ए दादी। कौन दादी? किसकी दादी? तुम्हारी मनीषा शर्मा को दादी बोलता है? ये तू उठ बे, मालिक को धोखा दे रहा है। उठ नौकर, उठ। आपको एक बार समझ नहीं आती मैं बेहोश हूँ? दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। सब पतली गली से। ए एक मिनट, एक मिनट। पिपर गए। या आपको बुला रहे हैं। तुम हो ना बिट्टू शर्मा? यही है बिट्टू शर्मा। हाँ हाँ, लड़िए लड़िए ना। आइए आइए, फिर फाइट के लिए शुरू हो जाइए। नहीं नहीं, मेरे को लड़ने, लड़ाई लड़ाई माफ, सब कुछ माफ। नहीं नहीं, कुछ लड़ाई माफ नहीं। जिसने भी निकेतन को चैलेंज किया हो, निकेतन भाई उसे मारे बिना अपने घर नहीं जाते। क्यों? हाँ ये चोटी, ज्यादा उछल मत, लड़ेगा मेरा बिट्टू, समझे ना। चलो, टाइम तो तू वेस्ट कर रहा है बिट्टू, तू लड़ेगा। अबे तेरा दिमाग खराब है। अरे क्या दिमाग खराब है? चल मैं निकल रहा हूं, चल। अरे नहीं नहीं, सबसे बड़ी कुश्ती के लिए सांस थाम के, कान खोल के और हाथ बांध के मुकाबला है कुश्ती। तालियां। तो मुकाबला है कुश्ती में दरवाजे की ओर से आ रहे हैं चेन्नई के योद्धा, दबंग के महारथी और खतरों के खिलाड़ी निकिता धीर। तालियां। निकिता प्रधान भाई। अरे भाई आ गया मेरा भाई। अरे आ और किचन के दरवाजे से आ रहे हैं बिट्टू शर्मा। एक मिनट, सवाल शर्मा जी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, क्या एक मिनट, क्या एक मिनट? और नहीं बेटी, नहीं शादी नहीं, इधर नहीं करते, इधर नहीं करते। चल चल कूद जा। खोदा पहाड़ निकला शेर, बिट्टू शर्मा हो गया ढेर। तो आप आगे लड़ लो फिर, मेरे को क्यों बोल रहे हो? आजा आजा भाई, आजा 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 भाई, आजा भाई, आजा पलक दिखेगी। चलो चलो चलो, एक मिनट एक मिनट, अभी लड़ एक मिनट। क्या हो गया यार, क्या है? चलो ना, एक मिनट। दादी बिट्टू मेरे को नहीं लड़ना। थोड़ा मार ले, सब दर्द निकल जाएगा, कोई नहीं देखा, मार ले। अबे ये बाहर निकल। अबे कुश्ती अंदर लड़ी जाती है तो अंदर निकल।
मेरे पे हाथ उठा था, अगर इस गरीब को हाथ लगा तेरी टांगा जोड़ दूंगा। इसको हाथ लगा। अगर बुजुर्ग पे हाथ उठाए तेरी टांगा जोड़ दूंगा। खबरदार मेरी दादी को हाथ लगा के दिखा दो। दादी चलो खुश 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 राजा। दादी मेरा आज का कार्डियो हो गया। ये तो हमारी फैमिली है, फैमिली। हाँ। हो गई हो गई। अगर मेरी पड़ोसन को कुछ कहा तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। अबे। इतना ये मारना मारना ना मैं कुछ खास पसंद नहीं करती हूँ वैसे, पर मैं शेर मार लेती हूँ। हाँ। मैं आपके लिए एक शेर अर्ज कर दूँ? अरे गैस छोड़, गैस एक मिनट में मरेगा। नहीं गैस छोड़, गैस। मुझे पसंद नहीं लड़ाई, मुझे अच्छा लगता है रोमांस। मुझे पसंद नहीं लड़ाई, मुझे अच्छा लगता है रोमांस। लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस। I hope you liked it. Bhag teri. Thank you very much. Hey, dadi. Dekhta hi rahega ya ladega bhi? Dekhta rahunga. Are hamari izzat ka sawal hai, chal le. Chal le kud tu chal. Chaliye, chaliye, chaliye. Chal utha, utha. Ye mera. Shabash. Ek minute. Sharma ji. Ek minute. Ek minute. गाली गाली निकालो गाली। आय शाबाश। पिट्टू लगी तो नहीं? नहीं 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 लगी उसको, नहीं लगी। क्या किया तूने? ओए नारियल के पेड़, तूने मेरे पिट्टू को मारा, मेरे पिट्टू को। अरे अब मुझे बड़ पोता कौन दिलाएगा? ए मारे तूने मेरे साहब जी को मारा। अगर मेरे साहब जी मर जाते तो मुझे तनख्वाह कौन देता? अब देख देख क्या देख, अब देख हम सब मिलके तेरी क्या हालत करते हैं। चैन गुली की, मैं गुली की चैन। चैन गुली की, मैं गुली की चैन। चैन गुली की, मैं गुली की चैन। नहीं 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 राइट्स में।
भाजी अपना शो इतना मशहूर हो गया हमारी गली में लोग रेडियां लगाने लगे कि भाई साहब अंडे कैसे दिए एक टांग पे खड़े होके हैं यार मुझे क्या पता कैसे थी मुर्गी नहीं दी अंडे तो ओहो यार आप तो आयुष्मान हो यार मैं आपकी एंट्री धड़ल्ले से कराने वाला था आप यहाँ पे खड़े होके अंडे बेच रहे हो यार कमाल है अबे तुम लोग बेवकूफियां कर क्या रहे हो यार ये समझ नहीं आ रही बेवकूफियां कर नहीं रहे भाजी बेवकूफियां तो इन्होंने कर ली हैं आज तो सिर्फ प्रमोशन करने के लिए आ रहे हैं जोरदार तालियां आयुष्मान के लिए आयुष्मान आपका बहुत बहुत स्वागत है कैसा लग रहा है आपको कॉमेडी नाइट्स में आके यार इतनी खुशी मेरे पापा को नहीं थी जब मैं पैदा हुआ था उससे ज्यादा खुशी मेरे को आज हो रही है और इनफैक्ट मेरे को और खुशी होती अगर आप दो चार हफ्ते के लिए मुझे होस्ट कर देते तो नहीं मेरे भाई यार बड़ी मुश्किल से जान लगा के शो बनाया जब तक अच्छा चल रहा करने दो ना हमें चलो ठीक है कर दो पर आपको क्यों शो को होस्ट करना है यार वैसे ही मेरे पास कोई काम है नहीं हाँ। और जब तक काम नहीं मिलेगा सोनम के पापा उसकी शादी मेरे साथ कराएंगे नहीं यार सोनम के पापा क्यों नहीं मान रहे भी हालांकि आपको सबको बताया इस बंदे ने पहली फिल्म में इतनी समाज सेवा करके पैसा कमाया था उनका मेरे को समझ में नहीं आता ऋषि कपूर साहब का एक तो ना उनको रणबीर की चॉइस अच्छी लगती है अब सोनम वाली काम में भी टांग अड़ा रही है चाहते क्या बंदा कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करे यार होती है पर टेंशन है कहां सोनम तो अच्छा खासा कमा रही है ना वो कहते हैं जब तक मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा तब तक शादी नहीं हो सकती तो पापा का रहने दो मम्मी का आशीर्वाद ले लो पापा का कौन सा ऐसे ही मार्क वाला आशीर्वाद है क्या फर्क पड़ता है भाई मोहब्बत की जंग में तू ही जीतेगा क्योंकि हर आरजू हमेशा अधूरी नहीं होती सच्चे रिश्तों में कभी दूरी नहीं होती और जिस दिल में सोनम जैसी महबूबा बसती हो उसके लिए तो धड़कन भी जरूरी नहीं होती तो ठीक है एक बार सोनम को बुला के पता कर लेते बाजी क्यों नहीं कर रही शादी सोनम को बुला सोनम नहीं ऐसे नहीं आई स्टार है बहुत बड़ी वैसे भी अच्छा? मैं बुला लो हाँ प्लीज वो अंदर का होश जाग गया हाँ प्लीज प्लीज वेलकम ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश सोनम कपूर लेडीज एंड जेंटलमैन Happening. क्यों शादी क्यों नहीं कर रही हैं आप आयुष्मान के साथ पापा नहीं मान रहे क्यों पापा क्यों नहीं मान रहे हैं जॉब नहीं है मना लेंगे यार मना लेंगे कोई बात नहीं काश इनके पापा लोकनाथ होते आशीर्वाद पहले देते हो दूर से तुम मेरे पापा को आलोकनाथ से कंपेयर कर रहे हो आई विश तुम्हारे पापा आलोकनाथ होते यार नहीं तो कन्यादान पहले शॉट में कर देते हो दूर से और सही बात है आलोकनाथ जी होते उनका मुंह ही आशीर्वाद वाला है तो उनसे तो घर पे आते हैं लोग बिल मांगने वाले सिलेंडर वाले या बिजली वाले वो सबको आशीर्वाद ही देते हैं एक बात बताओ सुनो ये लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है पहले तो आप लोग ऐसा लड़का ढूंढ लेती हैं कि जो नौकरी करता नहीं पहले आप प्यार में अंधी हो जाती कुछ दिखता ही नहीं उसके बाद जब सब कुछ सेटल हो जाता फिर कहती पापा नहीं मान रहे व्हाट द हेल इज दिस मैं तो कहता हूं अभी शादी करके ना बेरोजगार आदमी से शादी करनी चाहिए ताकि पूरा का पूरा टाइम आपको दे अच्छा। शादीशुदा आदमी को सुबह नहा दोगे ऑफिस चले जाएगा रात को थका मेरा खाना बेरोजगार आदमी से शादी करनी चाहिए मेरे हिसाब से मैं पहली थी दोनों फिल्मों में बेरोजगारी था विक्की डोनर बेरोजगार था नौटंकी साला में बेरोजगार था एक्टर था बेरोजगारी होता है इसमें तो बिल्कुल बेरोजगार हालांकि विक्की डोनर में बेरोजगार नहीं थे मतलब घर बैठने वाली जॉब थी बाजी सोनम आप आपके पिताजी इतने बड़े सुपरस्टार हैं अनिल सर तो आपने जब आप फिल्मों में आने का उनको कहा आपने पापा को बताया था पहले अपना डिसीजन कि अपने आप ही बोला था पापा मैं भी आऊंगी हीरोइन नहीं नहीं आसानी से जॉब मिल जाते हैं ना अगर आप अनिल कपूर के बेटे हो तो इजीली सारे जॉब्स मिल जाते हैं पर मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बनना पड़ा तो इट वाज जस्ट मैंने पापा को बोला कि मुझे कॉलेज नहीं जाना है मुझे एक्ट्रेस बनना है एंड दैट्स रेस्ट इज हिस्ट्री सच में एक्ट्रेस बनने का दिल करता था कि कॉलेज जाने का दिल नहीं करता था आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो मुझे कॉलेज नहीं जाना था मैं सिर्फ 17 साल की थी अच्छा देख लीजिए बाजी अनिल सर और सोनम की एज में बिल्कुल फर्क नहीं लगता कि आप सच में उनके घर में पैदा हुए कि आपको असेंबल करवाया उन्होंने कहीं देखो चाहे कान में इंटरनेशनल फेस्टिवल हो वहां एक मॉडर्न लड़की का रूप हो चाहे भाग मिल्खा भाग में गांव की लड़की हो जब मैं सोनम को देखता हूं ना तो कलामा
इकबाल का वो जो संगीत है मेरे दिल में गूंजने लग जाता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये सारे जहां से बस इसके जैसा है ही नहीं कोई। क्या देशभक्ति के मूड में आशिकी की है पाजी ने, वाह, इसको कहते हैं पेट्रियोटिक लवर। वाह पाजी क्या बात है, आप घुमा फिरा के आ जाते हो अपनी लाइफ। ओ बेटा, जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। क्या बात है, शुक्र है आज सोनम कपूर तिरंगे में तैयार नहीं। और जो लड़की को देख के उस पर लाइन ना मारे वो सच्चा सरदार नहीं। खैर सोनम, आयुष्मान आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, तो आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए, दोनों के लिए जोरदार तालियां। पाजी आपको एक बात बताऊं कि सोनम जो भी पहनती है बेसिकली अपने स्टाइल के लिए बहुत फेमस है। किस अवार्ड फंक्शन में इन्होंने क्या पहना और किस फंक्शन में क्या पहना, किस मूवी में क्या पहना, और इस फिल्म में हमने सुना है कि आपने बिकिनी भी पहनी है। हाँ, सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। नाइस। बेचारे आयुष्मान ने भी सिक्स पैक एब्स करवाए थे, उसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा। थैंक्स सोनम। आयुष्मान चाहे इससे बहुत खुश हूँ, छह की जगह चाहे दर्जन बना ले, लेकिन आप बिकिनी पहन के खड़े हैं तो किसका ध्यान जाएगा। आयुष्मान आपने जैसे इस फिल्म में एक बेरोजगार आदमी का किरदार निभा रहे हैं, तो पहली फिल्म में जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि आपने काफी अच्छा आपको जॉब मिल चुका था, तो वो क्यों छोड़ा? क्या सरकार ने आपको कहा था कि नहीं यार ऑलरेडी हम लोग 150 करोड़ है, इस बंदे का ये नौकरी पे लगा रहा, 300 ना कर दे कहीं। लोग आपको छेड़ते तो बहुत होंगे जब आप एयरपोर्ट पर निकल रहे हैं, कभी भीड़ में लोग वो जा रहा है डनर है बोलते हैं। हाँ, काफी छेड़छाड़ होती है। इनफैक्ट एक बार मैं मॉल में मम्मी के साथ जा रहा था, तो मम्मी के साथ तो वहां पे बड़ा एम्बैरेस होता ना आदमी, बहुत एम्बैरेसिंग हो गया था। वहां पे लड़की बोलती है आयुष्मान आई नीड योर स्पर्म, तो मैं मम्मी परेशान, तो वो भी इधर देखने लगी मेरा बेटा ही नहीं है। ले लो जाओ जाओ। आपकी मम्मी को तो फिर भी इंग्लिश आती, मेरी मम्मी होती ना क्या मांग रही है। हाथ पीछे जी जी, हम लोगों को काम दिलाते हैं। आप कौन बोल रहे हो? अनिल कपूर। लो जी, हमें पता है कि आपने पीएम की जान बचाई है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप पीएम की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके मिस्टर, बाय, टाटा, सी यू। ओके हुआ, ये बड़े बड़े घुटने निकाल के किससे बात कर रही फोन पर? बिट्टू, मेरे घुटनों की बात मत करो, तेरे को क्या पता इस पे कितने लोग मरते हैं, क्यों सिद्धू जी? अरे फोन पे किससे बात कर रही थी? क्या बताऊं, वो जब से मैंने प्लेसमेंट एजेंसी खोली है ना भाई, फोन पे फोन ही आए जा रहे हैं। तो अगर ऐसे नहीं करे तो तुम्हारा नेटवर्क पूरा नहीं आता क्या? मुझे आयुष्मान से कुछ बात करनी है। शादी की बात मत करना बस। मेरा दिमाग नहीं खराब है, मुझे पता आपने बिक्की डोनर की है। लो जी, जिस आदमी के 200-250 बच्चे पहले ही घूमते फिर रहे हो, उससे शादी करके क्या फायदा? मैं ना आपकी परेशानी का हल करने आई हूँ। मैंने सुना है कि आपको नौकरी की सख्त जरूरत है। बहुत जरूरत, जोर से जरूरत है। मैं आपको नौकरी यूं दिला सकता हूँ। बस मुझे ये बता दीजिए कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। मैं अच्छा एंकर हूँ, ठीक एंकर हूँ। अरे बहुत बढ़िया एंकर है, तेरे को पता नहीं, अभी तेरी एंट्री करके दिखाएंगे, मान जाएगी तू ऐसी एंकरिंग करेंगे। देखो बुआ की एंट्री करा के बताओ जरा। मैं करता हूँ। ओके, आई एम प्लीज। अब आ रही हैं वो जिन्होंने पहले स्टीम इंजन की कालिक से अपना सूरमा लगाया, अब आ रही हैं वो जिनकी जवानी के किस्से मेरे दादाजी सुनाते हैं, अब आ रही हैं वो जिनको जिन्होंने भारत भूषण को अपनी गोदी में खिलाया, प्लीज वेलकम पिंकी बुआ। कौन है ये आदमी?
आई ओके कोई बात नहीं, बुआ भले ही नाराज हो गई हो लेकिन आप लोग जैसा काम करते हैं लोग आपसे बड़े खुश हैं, ये बिल्कुल सामने मौजूद है, तो आप एक एक करके आयुष्मान और सोनम से बात कर सकते हैं। सबसे पहले कौन आ रहा है? जी मैडम, मैं सोनम जी से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जी मैम, आपने संजय लीला बंसाली जी के साथ को असिस्ट किया था जी, तभी हमने सुना कि आप वो आपको चोर बाजार भेजा करते थे शॉपिंग के लिए, तो ये बात सच है क्या? जी बिल्कुल सच है, वो मुझे भेजते नहीं थे, मैं ब्लैक के टाइम पे मैं एक आर्ट असिस्टेंट थी और मुझे बार्गेनिंग का बहुत शौक है। वहाँ पर बार्गेनिंग किया करती थी? हाँ जी बिल्कुल करती थी, मैं बहुत ही अच्छी हूँ बार्गेनिंग में। बहुत अच्छी है। हाँ जी, अच्छा शॉपिंग में तो सबसे बेस्ट हूँ मैं। मुझे बार्गेनिंग करने बिल्कुल भी नहीं आता है, तो प्लीज क्या आप थोड़ा कपिल सर के साथ थोड़ा डेमोंस्ट्रेट करके दिखाएंगे कि कैसे बार्गेनिंग की जाती है? मेरे को बेचेंगी? सूट आपने पहना है, कितने का लिया आपने? ये हस्बैंड ने गिफ्ट दिया है। कहाँ आए हैं साथ में? नहीं नहीं, कहाँ गिफ्ट लेने गए? वो आपके लिए गिफ्ट लेके आते हैं, आप उनको साथ भी नहीं लेके आते, ये गलत बात है ना? नहीं, वो बच्चों के साथ घर पर है। तो मतलब क्या करते भाई साहब, काम क्या करते हैं? वो रेलवे में है सर्विस, तभी गाड़ियां टाइम पे नहीं आती, बंदे तो घर पे बच्चे संभाल रहे हैं। अब पता चला इंडियन रेलवे लेट क्यों है। अच्छा मैं सवाल आपका क्या था, भूल गए। सोनम मैम से मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा बार्गेनिंग करके हम लोगों को सिखाए कि कैसे बार्गेनिंग कैसे बताएं। मैं फ्रूट वाला बनूं? मैं बकरी बेचूंगा अपनी? मैं सोनम के लिए तो सारी चीजें कुर्बान, ये मैं सेब, ये देखो एक्चुअली। अच्छा आप बकरी बेच रहे हो? आप बकरी ले लो, सेब ले लो, कुछ भी ले लो, चोर में एक्चुअली बहुत बकरी बेची जाती है। हाँ जी, मैं बकरी वाला, बकरी 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 बकरी। कितने की बकरी बकरी बकरी? कितने की बकरी? अच्छा बकरी मैडम 2 लाख की बकरी है जी। मेरे पास तो है ही नहीं। है जी? नहीं, पापा ने मुझे पैसे नहीं दिए। पापा ने नहीं दिए पैसे? नहीं दिए पैसे। उनको बोलो बकरी वाले ने बकरी नहीं दी, चलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आपको 500 रुपए दे देती हूँ बकरी के लिए। मैडम एक टाइम में 1100 का दूध दे देती, 500 रुपए की बकरी ले रही है आप कमा रही है। अरे नहीं, 500 की बकरी नहीं आती मैडम, मेरे पास छोटी मुर्गी, वो ले जाइए मुर्गी ले जाइए। सुनो जी, सुनो, सिर्फ 500 की दे दो ना प्लीज, थैंक यू। मैडम बकरी देखी जाइए हमारी। ये बकरी में ओहो, दूसरी तरफ से दिखाओ, लोगों को पता चल जाएगा। ध्यान से देखिए, अनिल कपूर की बेटी ने चुराई बकरी। एक बात तो माननी पड़ेगी, पीछे पड़ जाए ना, नहीं भैया प्लीज ना, ऐसे थोड़ी होता है। हमने पिछले साल भी बकरी खरीदी थी, वो तो इतने की थी, 1200 रुपए की ली थी बकरी, और तुम लोग 2 लाख रुपए बेच रहे हो। आदमी ने, मैंने देख लिया, दुकानदार ना बेचारे टेंशन में आके परेशान होकर सस्ती चीज दे देते हैं। सो मैं अब आपका कष्ट समझता हूँ दुकानदारों भाइयों, भगवान बचाए आपको, शुक्रिया, मेहरबानी आपकी, धन्यवाद। फैंटास्टिक बॉस, कैसा शो बनाया, सारे काम आप ही करने पेंदे। हाँ जी जी, और कोई हमारे दोस्त? जी जी मैडम, कपिल सर, वी जस्ट लव यू, यू ब्रॉट लाइट्स टू सो मेनी होम्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आयुष्मान सर एंड सोनम मैम, ऑफ कोर्स वी डू लव यू। दिस इज माय डॉटर, शी इज अ म्यूजिक कंपोजर। दैट्स अमेजिंग। ओह वाओ। एंड आई हैव टू से अ बिग स्पेशल थैंक यू टू आयुष्मान सर, बिकॉज़ ही वाज होस्टिंग अ शो where she, on a reality show where she had come as a contestant and he had predicted that she'll be a rock star one day. And today she's got 17 world records. Amazing. Oh, 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 oh. Awesome. Sat Sri Akal, Kapil. How are you? I'm fine, Kapil bhaiya. आज मेरी बेइज्जती का दिन है, कोई बात नहीं, कर लो आप भी। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं, आपकी इज्जत कर रही हूँ बस। जी, मेरा सवाल आयुष्मान भैया से है। जी, मैं चाहती हूँ कि जो मेरा मन गाया उन्होंने नौटंकी साला में, मैं उनके साथ एक बार वो गाना चाहती हूँ और उन्हें हक करना चाहती हूँ। ओके ओके,
वैसे मेरा मन मैंने नहीं गाया है, मेरा मन फलक शबीर ने गाया, पाकिस्तानी सिंगर, उनकी आवाज मुझसे काफी मिलती है, वो क्रेडिट उनका है। हाँ। गाऊंगा आपके साथ। गाएगा ये, अच्छा गाना है। Thank you so much. My name is Pooja. A big hand for Pooja, ladies and gentlemen. Kapil भैया, मैं माफी चाहती हूँ जाने से पहले कि मैं आपको भैया बोलने, लेकिन मैं आपको भैया ही बोलना चाहती हूँ. Thank you so much. God bless you. Sorry, मेरा इरादा आपकी बेइज्जती करने का नहीं था. अरे नहीं. मेरा काम ही यही है, मैं तो ये सब नहीं करूं तो मेरे को कौन देखेगा. पर मुझे आपके लिए बहुत बुरा लगता है एक जब आपकी बुआ और दादी आपकी बेइज्जती कर जाती हैं. अभी तक किसी ने नोटिस नहीं किया था, आपने बोल के करवा दिया. कोई बात नहीं, अब अपने ही लोग हैं ना, क्या करें, दादी बुआ है तो अपनी ना. पर आपने बड़ा अच्छा गाना गाया, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए. बेचारी भी क्या करे. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. पर आपकी बेटी बहुत टैलेंटेड है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ऐसी बेटी आपके घर में जन्म लिया. ओह थैंक यू सो मच, आई एम ब्लेस्ड. आई एम ब्लेस्ड. थैंक यू सर. थैंक यू सर. और कोई हमारे दोस्त? सर एक रिक्वेस्ट है. कुछ टाइम पहले सोनम मैम की मूवी आई थी दिल्ली 6, सो उसमें आपका बहुत फेमस सॉन्ग था मस्क अली, इफ यू कुड प्लीज डांस विद मी ऑन दैट सॉन्ग मैम. ऑफ कोर्स. थैंक यू. आप सब डांस करेंगे ना? यस वार आउट. चलो thank you so much. Thanks. Thanks, sir. Thanks a lot for coming in. Thank you. यार कपिल, मुझे ये नहीं पता था कि मस्क अली में बाबा जी का ठुल्लू भी मिला हुआ है. हाय हाय हाय. हेलो तो बोलिए. हाँ हेलो. अंकल मैं आपको अंकल बोल रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे हो. ये आयुष्मान तो मेरे पापा है ना. हाँ. और मैं इनका बेटा शक्तिमान. शक्तिमान. अबे तू इनका बेटा कहाँ से हो गया? शक्तिमान तो घमासान लग रहा है मेरे को. तू इनका बेटा कहाँ से हो गया? आपके ससुर खामा का कहते हैं आप काम नहीं करते का. इतना बड़ा काम कर दिया आपने और क्या. पापा ये आपने नजर ना लगे इसलिए लगाया हुआ है. हाँ, टीका लगाया है. How cute.
मैं क्यूट हूं ना, यहीं पे लगाता टीका, यहाँ पे लगाता तो टूट जाती सिरिंज। वो टीका। ओ, पापा। भाई ये मेरा बच्चा नहीं है। मेरा बच्चा ऐसा नहीं हो सकता। कैसे हो सकता, खुद देखो यार। पापा! सॉरी। तेरे आ गई। एक बार मुझे अपनी गोद में उठा के तो देखो। भाई मैं उठ जाऊँ कैसे? बच्चे वाली फीलिंग नहीं आएगी तो बोलना मुझे, तुम्हारी गोद टूट जाएगी। सुनी क्यों है पापा? अबे हूँ ना। गोद सुन नो, उससे अच्छा सुनी, ठीक है ना? अंकल एक मिनट। हाँ अच्छी। एक बार मुझे अपने पापा के बगल में खड़ा करके देख लो, मैं एकदम उन पे ही गया हूँ। इनको मना मत करना भाई, गुस्सा आया ना, पिछली बार सोफा खा गया था मेरा। ये सोफा भी खाता है? अरे ये कुछ राजपाल यादव को आधा इसी ने खाया। राजपाल यादव लगा गया। कहां से लगता उनका बेटा, पापा से बड़ा लग रहा था। पापा! ये आदमी मुझे पसंद नहीं है पापा, ये मेरी इंसल्ट करता जा रहा है पापा, और आप ऐसे बैठ के देख रहे हैं। ये बेवकूफियां पहले से चलती आ रही हैं आयुष्मान की, देख लो उसका रिजल्ट देख लो आप। What is going on? मेरा ही बच्चा है, पाल लिया। मुझे क्रोध आ रहा है अंकल। क्रोध नहीं आ रहा, बाथरूम जा, कुछ और आ रहा है। अंकल आप ये मत समझो कि मेरे पापा डरपोक निकले, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ। मेरे जैसे कई भाई बहन यहाँ पर घूम रहे हैं, उन सबको बुला लूंगा। सही था। बुला लूं? बुला बुला। आ जाओ भाई बहन, आ जाओ। चलो बच्चों, अंकल पे अटैक। भाई एक रहा, माफ कर रहा है, छोड़ो छोड़ो, अरे सीरियसली, एक सेकंड, इधर आ जाओ बच्चों, यहाँ आओ। मैंने कहा, मैंने झूठ थोड़ा ना बोला था, छोटे छोटे। मैं मान गया, वही तेरे पापा हैं, मेरे को माफ कर दे। चलो ठीक है, फिर हम लोग ना सब गुस्सा थूक देते हैं। अब इतना अच्छा फैमिली का रियूनियन हुआ है तो थोड़ा सेलिब्रेशन करते हैं, ओके? पापा, मेरे पापा बहुत अच्छा गाते हैं। पापा आप गाना गाओ ना, हम डांस करेंगे। पापा 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 पापा। जो जश्न है वो आज हम यहीं पे मना रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आपकी आगे आने वाली जितनी भी फिल्में, आप यहाँ पे जरूर आएं, और हमें बहुत अच्छा लगा। एक बार जोरदार तालियां दोनों के लिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए कॉमेडी नाइट विद कपिल हर शनिवार रविवार रात 10 बजे। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.